दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुरनूल में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा एक सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटित तौर पर हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत की उनकी पत्नी, सुरक्षा कमांडो और पूरे पायलट सहित 14 लोग सवार थे। इस दुर्घटनाग्रस्त में 13 लोगों की जान गई है। मरने वालों में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना द्वारा भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मृत घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारे भारत के सेना के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जहाँ के लोग बिहार को एक बिछड़ा राज मानते हैं, वहीं के लोगों को टेक्नोलॉजी के दुनिया में पीछे समझते हैं। वहीं बिहार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उसने इस रिकॉर्ड के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है, जिसकी कवरेज एरिया करीब 20 किलोमीटर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था, जहाँ 3.5 किलोमीटर में फ्री वाईफाई नेटवर्क काम कर रहा था। बिहार के पटना में बने इस फ्री वाईफाई जोन की सुविधा साल 2014 में शुरू की गई थी। हमारे बिहार के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि दुबई के लोग पूरा शरीर ढका हुआ और सफेद कलर का कपड़ा ही क्यों पहनते हैं, जिसे कंदूरा कहते हैं। दरअसल दुबई में सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती है और सफेद कपड़ा सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है और लोगों को गर्मी से बचाता है और पूरा शरीर ढका होने की वजह से स्किन को जलने से बचाती है। इसी वजह से यह कपड़ा दुबई के कल्चर का एक हिस्सा बन गया है। और दोस्तों क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मुझे इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो मिली है जिसे देखकर मैं भी हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बादल आसमान से नीचे गिर रहा है। इसके साथ खड़े होकर एक इंसान फोटो भी खिंचवा रहा है। ऐसी घटना काफी जगहों पर देखी जा चुकी है। इसके पीछे का कारण हम में से कोई भी नहीं जान पाया है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है यह ग्लोबल वार्मिंग और हमारे द्वारा किए जाने वाले ज्यादा केमिकल यूज की वजह से हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इमेजिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाइना इतना तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा है और इंडिया इतना तेजी से क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो साल था 1998, दिल्ली के एक पुल से बच्चों की बस नीचे गिर गई, जिसमें 28 बच्चों की मौत हो गई। जिसके बाद सरकार ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक नया ब्रिज बनवाएंगे, जिसका नाम रखेंगे सिग्नेचर ब्रिज। साल 1998 में वो ब्रिज बनना शुरू हुआ, जो कि 2-3 सालों में बन जाना चाहिए था, लेकिन वो कम्प्लीट हुआ साल 2018 में। एक ब्रिज को बनाने में हमें लग गई 20 साल, और वही अभी चाइना में कोरोना वायरस फैला, जिसके बाद वहां पर उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत थी और नए हॉस्पिटल को उन्होंने 5 दिनों के अंदर ही 1000 बेड वाला नया हॉस्पिटल तैयार कर दिया। अब बताओ चाइना सुपर पावर बनेगा या फिर इंडिया सुपर पावर बनेगा? आप सच बताओ, अपने दिल से ये सवाल पूछना, मुझे कमेंट में गाली देने से कोई फायदा नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक ऐसा लड़का जिसे साइंस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि एक दिन अपने लैब में कुछ केमिकल मिलाकर जला दिया था, और उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश के समय उसकी घर की छत से पानी टपकता था और बिजली बिल ना भरने की वजह से उसकी घर की बिजली काट दी गई थी, और वो पड़ोसी के घर से बिजली मांग कर वीडियो बनाता था। जब उसने यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तब उसके पास एक अच्छी फोन भी नहीं थी। वीडियोज के लिए वो सब्जियां बेचकर केमिकल लाया करता था। इतने कठिन हालातों में भी उसने हार नहीं मानी और लगातार YouTube पर वीडियो बनाता रहा, और आज उस लड़के के YouTube चैनल पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर इंडियन हैकर की। अगर आप उनके फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उनसे जुड़ी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अगर क्या होगा पेड़ की पत्ती पर इंक लगाकर उसे पानी में छोड़ दिया जाए तो, और इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं भारत के जाने माने यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने। आप देख सकते हैं पत्ती तो पानी में किसी बोट की तरह चलने लग गई। जब यही सेम एक्सपेरिमेंट माचिस के डिब्बे के साथ की गई तो वो अभी बोट की तरह पानी में भागने लग गई। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल दोस्तों इंक पानी को रिफिल करती है, मतलब कि इंक पानी से दूर भागती है। उस वजह से पानी अपने साथ माचिस की डिब्बी या उस पत्ते को आसानी से आती है। वैसे दोस्तों इस ट्रिक को कौन कौन करने वाला है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।